हाय गाइस, हेलो, जय श्री कृष्णा। तो हम आज जा रहे हैं धारेश्वर महादेव, जो कि आया हुआ है पाली ज़िले में, और हम निकल चुके हैं सब लोग, और थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं वहीं पे। तो आप सब भी विज़िट करें अगर आपको भी ये जगह बहुत अच्छी लगे। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है। तो देखते धीरे धीरे हम आगे जा ही रहे, और ये देखिए आ गया हमारा प्राचीन धारेश्वर महादेव मंदिर। ये मामीसा सब आगे निकल गए और मामीसा मेरे वेट कर रहे थे, तो वो हम दोनों पीछे रह गए। तो अब हम जा रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे हम मंदिर बताएंगे अभी आगे से। और ये मामीसा हंस रहे हैं मुझे देख के कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ। और देखो सब धीरे से, आप देख सकते हो, तो सब पहुँच गए हैं मंदिर में। तो अभी मैं भी फटाफट चला जाता हूँ, तो अभी स्पीड थोड़ी बढ़ाना पड़ेगा। और ये देखिए, और ये पहुँच गए हम मेन गेट पे। यहाँ से हम अपने शूज़ निकाल के, आपको दिख रहा होगा यहाँ का रास्ता बता रहे, प्राचीन महादेव जी का मंदिर। और धीरे धीरे हम आगे जाएंगे, तो यहाँ मुझे मेरे पापा बुला रहे थे कि जल्दी आ जा, क्या वीडियो बना रहा है। और ये देखिए गुफा के अंदर है ये मंदिर, तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे। पहले मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। छोटे पंडित जी बैठे हैं महादेव जी के चरणों में, और यहाँ मामा श्री, मम्मी जी और पापा जी दर्शन कर रहे थे, और मम्मी ने छोटे पंडित जी को नारियल दिया। वो अपने मुक्की से फोड़ जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, पर उनसे फूट नहीं रहा था। उन्होंने बहुत ट्राई किया, और आखिर में फिर अभी धीरे देखना आप आगे, ये फूट गया आखिर में। और यहाँ पापा और मम्मी सब दर्शन करते हुए, पापा उसे बताते हुए, पानी का लोटा लेते हुए। और यहाँ पापा बोलते मेरी भी एक वीडियो ले ले फिर से, तो मैंने फिर से, वो गए वहाँ पे दर्शन करने, और ये दर्शन करते हैं। फिर पापा ने बोला अल्लाह मैं तेरा भी वीडियो ले लेता हूँ, तो मैं भी वहाँ जाते वक्त फिर मैंने दर्शन किए। छोटे पंडित जी सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं ये। और यहाँ पे आपको एक पानी की आवाज़ सुनाई देगी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही नेचुरल वॉइस है ये, तो मैं आगे आपको ये वॉइस सुना दूंगा। और इस पानी की एक खास बात है कि ये पहाड़ों से आता है, और कहाँ से आता है अभी तक किसी को पता नहीं है। और ये पानी 365 दिन यहाँ कंटिन्यू आता है, भली गर्मी हो, सर्दियों का मौसम हो, या फिर बारिश का मौसम हो। बारिश के मौसम तो आएगा, और एनी टाइम हरा भरा रहता है ये। और ये हम, अब मैं छोटी पंजी जी को बोल रहा हूँ चलो एक हाई फाई करते हैं, तो इन्होंने हाई फाई नहीं किया, थोड़ा डर गए थे। तो अभी मैं आपको थोड़ा पीछे का फिर से वही व्यू दिखाते हुए, और अब बैक साइड जाते हुए, और फिर अभी एक मूर्ति बताऊँगा आपको मैं, जो आप मानोगे नहीं, एक बड़े पत्थर से बनाई हुई महादेव जी की मूर्ति है। तो हम धीरे धीरे वहीं जा रहा हूँ, ये अब पहुँचने ही, और ये हम पहुँच गए। तो आप देख सकते हो गणेश जी की मूर्ति है, विष्णु जी की है, नंदी जी बैठे हैं, शिव जी की मूर्ति है, शिवलिंग भी है। और ये जो मूर्ति है, जो मैंने आपको बोला, एक सिंगल बड़े पत्थर से बनाई हुई है। और ये मम्मी पापा दर्शन करते हुए, और इन्होंने मुझे बोला मेरी फ़ोटो ले लो, तो मैंने फिर से उनकी फ़ोटो ली, थोड़ा रोटेट करके फ़ोन। और घर वाले मेरे से आगे निकल के कितनी मस्ती कर रहे थे, दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो हम बाहर आ चुके हैं, तो मामा श्री आगे निकल गए थे, तो वो फिर से आए पीछे, उनको गेट पता नहीं था। और मम्मी और मामी सा तो शायद पहुंच भी गए होंगे। हाँ ये देखिए वो जा रहे हैं, मामी सा तो सबसे पहले पहुंच भी गए, अभी हम जा रहे हैं उनके पास ही। अभी आपको ये दिख रहा है जो पानी, ये वो वहाँ पहाड़ में से आता था, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो ये धीरे धीरे होके गाँव में पहुँचता है पानी। और यहाँ मामा सेल्फी लेते हुए, और मामी सा बोलते रुको रुको मैं भी आ रही हूँ, अकेले अकेले सेल्फी कैसे ले रहे हो आप। फिर मामा ने मॉम को भी बोला कि आप भी आगे आ जाओ, तो मॉम बोल रही मैं आ रही हूँ। तब तक मैं आपको व्यू दिखाता हूँ पूरा। यहाँ पहाड़ों के बीच में है ये मंदिर, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही शांत जगह है,
और धीरे धीरे देखिए आपको बंदर भी दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ कम से कम 200 से 300 बंदर है टोटल जो यहीं रहते हैं। और फिर से हम घुमाएंगे तो पापा भी पहुँच गए, तो ये सब सेल्फी ले रहे साथ में। तीनों ने बोला हमारे साथ भी एक वीडियो ले लो, तो मैंने कैमरा रिकॉर्ड कर दिया। और धीरे धीरे हम वापस उन बंदरों के पास जाते हुए आगे, अभी ये मामी से जंप करके आ गए एकदम से। अभी मॉम मामी सा को बताते हुए कि यहाँ ये है, वहाँ वो मंदिर है, ये यहाँ पे ऐसा ऐसा सब इंस्ट्रक्शन देते हुए तो हम निकल पड़े आगे ही आगे। और ये हम बाहर जाते हुए, तो आप बाहर जाते देखो हमारी स्वागत में बंदर सारे खड़े हैं। पापा भी कुछ बिस्किट्स निकाल रहे हैं कार में से, पर वो सब को पता चल गए कि हाँ ये कुछ लाए खाने के लिए, तो सब वहीं पे आके बैठ गए। तो हम मैं धीरे से इनके पास गया तो ये भी डर गए हमसे। ये देखिए सब लाइन लगा के खड़े। और अभी ये देखना गाड़ी के पास, आप देखना गाड़ी के ऊपर चढ़ चुके हैं कुछ। ये देखिए ये छोटे पंडित जी लकड़ी लेके आए हैं कि भाई इनको लकड़ी से भगाना है वरना आपको ये नोच देंगे। और देख ही सकते हो आप गाड़ी पे चढ़ चुके। पापा बिस्किट दे रहे थे तो वो पापा को बोलता है मुझे बिस्किट चाहिए, तो वो पापा पे थोड़ा, तो ये थोड़े मेरे फैमिली वाले थोड़े डर गए थोड़ा पीछे हुए, तो अभी थोड़ा पोज दे रहे हैं ये। तो अभी मामा को पीछे बुला लिया, तो अभी मैं भी बोला तो चलो मेरे साथ भी एक वीडियो हो जाए। तो वो देख रहे हो आप कार में देख रहे थे बंदर के, भाई ये देखिए कार पे बैठे हैं मस्त मजे कर रहे हैं। ये छोटा सा बच्चा भी है इनके देखो पास, ये थोड़ा गुस्से वाला है ये देखिए सब, अभी तो थोड़े ही है, अभी थोड़ी देर में देखना। ये देखो मैंने पापा के हाथ से बिस्किट्स ले लिए तो मेरा शर्ट खींचने लग गया था, फिर मॉम ने बोला तेरा शर्ट फाड़ देगा, मैं बोला कुछ नहीं करेंगे। और फिर मैं इनको पैकेट फाड़ के दूंगा, तो अभी फिलहाल तो दो तीन ही पैकेट हाथ में लिए मैंने, तो उतने ही मैं दूंगा। उसमें से भी एक बंदर ने थोड़ा सा क्या हुआ, मैंने उसको दिया नहीं तो उसने मेरे हाथ पे थोड़ा नोच दिया। ये देखिए उस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाले ने। अभी मैं कार में जा रहा हूँ और सारे बिस्किट्स पैकेट में डाल के बाद में बाहर लेके आऊँगा। जब तक पापा और ये सब, पापा वीडियो ले रहे तो वो थोड़ा मस्ती करेंगे आगे देखना। ये देखिए पापा अपनी सेल्फी लेते हुए वीडियो में, और यहाँ मामा सोच रहे हैं भाई ये गाड़ी गंदे कर रहे हैं बंदर लोग, मम्मी आ गई लकड़ी लेके, चलो हटो यहाँ से मेरी गाड़ी से, हट जाओ चलो चलो। मॉम यहाँ पे टीचर बन गई है और मॉम हंस रहे हैं फुल एंजॉय किया फैमिली के साथ मैंने इस बार। ये देखिए गाड़ी में देख रहा है कि भाई कब आ रहा है भाई, कब बाहर आ रहा है, कब बिस्किट ले आ रहा है, कुछ खाने के लिए कब लेके आ रहा है। और यहाँ पे फिर पापा ने पंडित, छोटे पंडित जी को भी फ़ोन दे दिया और खुद बोले चलो एक फ़ोटो हो जाए या फिर वीडियो में कुछ घुसपुस हो जाए। तो यहाँ मामी सा तो बस बंदर को ही देख रहे हैं सब, इधर उधर बंदर घूम रहे हैं जो उसको, मम्मी लकड़ी लेके खड़ी है एकदम। ये देखिए कांच में कैसे देखते जा रहे बार बार, कब आए रे, कब आएगा भाई, कब आएगा। यहाँ फिर मामा ने लकड़ी ले ली, बोला गाड़ी थोड़ी गंदी कर दी उन्होंने थोड़ा वो वॉशरूम वगैरह, तो मामा बोल रहे चलो गाड़ी से उतर जाओ अभी। और ये मामा ने अब लकड़ी ले ली है तो उन बंदरों को हटा दिया है लगभग, तो शायद या फिर वापस आ जाएंगे अभी। तो यहाँ देखिए मामा उसे बोल रहे कुछ कपड़ा वगैरह है कि गंदी हो गई गाड़ी तो साफ करने के लिए। तो मामा ने खुद ने अपनी गाड़ी से कपड़ा निकाल दिया और मामा अब गाड़ी साफ करेंगे। और यहाँ मैं एग्जिट ले रहा हूँ अभी, कार के बाहर आ रहा हूँ, तो आप देखना कार में ये आ गया। उन सब के पास जाऊँगा, उन सबको बिस्किट्स दे दूँगा। देख रहे हो सब आप एक साथ आ गए थे, फिर डॉग भी आ गए तो डॉग को भगा रहे थे। तो यहाँ बंदर अपने अपने स्टॉक भर के यहाँ से वहाँ
गायब हो रहे थे, कोई दूसरा बंदर आके मेरा कोई छीन ना ले बिस्किट, तो यहाँ देखिए सब अपना भोजन करते हुए। तो आप देख सकते हो सब कितने खुश है, कितना एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ ये बाप जी तो आके बैठ गए चुपचाप अलग से और खा रहे हैं मस्त, अपना अपना स्टॉक भर लिया जिससे। और ये अब खा पी के अब हमसे डर रहे हैं वापस से। एक्चुअली हमसे नहीं डर रहे, मेरे पास सेल्फी स्टिक था तो वो स्टिक से डर रहे थे। तो अभी पापा बोल रहे थे चलो एक फ़ोटो हो जाए। छोटी पंडित जी कपड़ा लेके आ गए तो उनको बोला कि आप थोड़ी गाड़ी पे कपड़ा मार दीजिए, यहाँ गंदा हो गया है। और ये देखिए लाइन में अब खा पी के लाइन में बैठे हैं मस्त। ये देखिए क्यूट सब अच्छा, एक छोटा सा कैसे अपनी माँ से चिपक के बैठा है। और यहाँ थोड़े हम भी आ जाए तो आप देख सकते हो कैसे लाइन में बैठे हैं सब एक लाइन के अंदर। कुछ यहाँ वहाँ चले गए अपना स्टॉक लेके बिस्किट्स का। और इसी के साथ फिर हम यहाँ से अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। और यहाँ ये यहाँ पे बर्ड्स के लिए आप दाना डाल सकते हो, देख सकते हो जय श्री राम लिखा है। तो अभी थोड़ा इनके पास भी जूमिंग हो जाए पेट भर के, इनको कैसा लग रहा है ये देखिए कैसे बैठे हैं, पेट भर गया है इनका। अब यहाँ से वहाँ ध्यान दे रहे हैं कि अब कहाँ जाके सोए हम। ये देखिए नीचे बैठे बैठे भी सोच रहे उस गाड़ी के पास जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या करूँ कहाँ जाऊँ। सो गाइज इसी के साथ हम यहाँ से निकल चुके हैं वापस। तो आप सबको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर भी करना। और आप सबको अगर ये प्लेस बहुत अच्छी लगे तो आप भी जाके विजिट करना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। इसी के साथ थैंक यू, जय श्री कृष्णा।